लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉर्टिकल्चर गुरुजी चैनल को, और लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.horticulturguruji.in पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन फोर्थ टॉपिक विच इज टोमेटो कल्टिवेशन। इन दिस लेक्चर आई शैल कवर ऑल अबाउट टोमेटो कल्टिवेशन लाइक सोयल, क्लाइमेट, वराइटीज, हाइब्रिड्स, सीड रेट, नर्सरी मैनेजमेंट, मैन्योर्स, फील्ड प्रिपरेशन, प्लांटेशन, वीड कंट्रोल एंड स्टेकिंग। लेट्स स्टार्ट। टोमेटो, जिसको हिंदी में आप टमाटर बोलते हो, इसके दूसरे दो नाम भी हैं, अदर नेम भी हैं। इसको वॉल्फ एप्पल भी बोल देते हैं और वलायती बैंगन भी बोल देते हैं। वॉल्फ एप्पल और वलायती बैंगन भी बोल देते हैं। बोटनिकल नेम है इसका लाइकोपिस्कन एस्कुलेंटम, लाइकोपिस्कन एस्कुलेंटम। इसका साइंटिफिक नेम होता है या वानस्पतिक नाम होता है। फैमिली, इसका कुल सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2N24, डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। हैप्लोइड देखें तो ये आधे हो जाएंगे, N बराबर 12। ओरिजिन इसका पेरू और मैक्सिको, पेरू भी कह देते हैं, मैक्सिको भी कई बार मिल जाता है लिखा हुआ, और कभी कभी ये साउथ अमेरिका लिखा हुआ भी आ जाता है। इंट्रोड्यूस फ्रॉम, इसको इंडिया के अंदर पहले कल्टीवेट नहीं होता था, ये इंडिया का ओरिजिन का नहीं है, ये बाहर का है, इसलिए इसे पुर्तगुइज जो यहाँ आए थे उनने इंट्रोड्यूस किया था, पुर्तगुइज ने, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, जो इसका फूल का गुच्छा होता है, मतलब फूल में इसका जो पौधे के ऊपर फूल लगते हैं, दो या तीन फूल एक साथ लगते हैं, वो गुच्छा ट्रस कहलाता है, ट्रस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसके पॉइंट्स, जैसे टोमेटो इज नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। टमाटर विश्व के अंदर एक नंबर की प्रोसेसिंग वाली सब्जी है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जिसको ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। टोमेटो की जो प्यूरी है या पेस्ट है, हैव ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में प्यूरी और पेस्ट की बहुत डिमांड है। इसके वैसे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे सॉस बनती है, केचप बनता है, चटनी बनती है, ठीक है, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जिन जो बनाए जाते हैं। वैसे जो मेन डिमांड है वो प्यूरी और पेस्ट की है। उसके अलावा लाइकोपिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो। जो लाल कलर होता है टोमेटो का, वो लाइकोपिन के कारण होता है, एक पिगमेंट है लाइकोपिन जो इसमें पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और यह हाईएस्ट होता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब जब इसको कल्टिवेट करते हैं फील्ड में खड़ा हुआ है तब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता, तो ये कलर सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब फल के ऊपर ज़्यादा आएगा। और जैसे ही ये टेम्परेचर राइज हो जाता है, लगभग 27 डिग्री पहुंच जाता है या इससे अबव हो जाता है, तो ये जल्दी जल्दी उसका कलर ख़त्म होने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा येलोइश कलर जहाँ कैरोटीन ज़्यादा उसमें आने लग जाता है। उसके अलावा अबाउट 33% ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय F1 हाइब्रिड्स। इसका जो 33% क्षेत्र है वो इसके हाइब्रिड्स ने कवर कर रखा है, वैसे अब तो बढ़ गया होगा, F1 हाइब्रिड्स मतलब हाइब्रिड्स ने कवर कर रखा है, और जो कि दूसरी सारी सब्जियों से बहुत ज़्यादा है, मतलब दूसरी सब्जियां के अंदर हाइब्रिड इतने ज़्यादा कल्टिवेट नहीं किए जाते, परंतु टमाटर के अंदर इतने ज़्यादा हाइब्रिड किस्में ही ज़्यादातर उगाई जाती हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इज फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटोज। कई बार तुमने सोचा होगा ट्रेनिंग प्रूनिंग कोई सब्जी के अंदर, तो ट्रेनिंग प्रूनिंग टमाटर की जो इनडिटर्मिनेट किस्में होती हैं, जो सीधी
बढ़ती रहती हैं उनके अंदर की जाती है। उसमें सिंगल स्टेम सिस्टम से ट्रेनिंग की जाती है, उनकी संधाई की जाती है। ठीक है, पंजाब के अंदर ओनली स्प्रिंग समर क्रॉप ही ली जाती है। स्प्रिंग समर बसंत वाली और गर्मी वाली जो फसल रहती है बीच की, वो फसल ली जाती है। क्योंकि अगर वो ऑटमन सीजन वाली यानी कि पतझड़ वाली वो फसल लेते हैं, जैसे ये सर्दी में मौसम में लगभग दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक वाली, उसमें लीफ कर्ल वायरस जो भी है इसके अंदर, उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर फसल के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए पंजाब के अंदर स्प्रिंग समर क्रॉप ही ली जाती है। इसकी किस्में वराइटीज, पहली है इंट्रोडक्शन, मतलब जो बाहर की किस्में सीधी की सीधी लाके इंडिया के अंदर कल्टीवेट कर दी गई। रोमा है, सियोक्स है, बेस्ट ऑफ ऑल है, टिप टॉप है, लोबोनिटा, मार्बल, मनी मेकर, अगेती, ये किस्में इसकी इंट्रोड्यूस्ड किस्में हैं जिनको बाहर से लाया गया। रोमा, सियोक्स, बेस्ट ऑफ ऑल, टिप टॉप, लोबोनिटा, मार्बल, मनी मेकर, अगेती। ठीक है, सिलेक्शन, जिनको चुनाव किया गया, जिनका किसी दूसरी किस्म में से अच्छे पौधों का चुनाव करके एक वैरायटी की तरह रिलीज कर दिया गया। इसमें है इम्प्रूव्ड मैरुति, सोनाली, पंत बहार, अर्का विकास, अर्का सौरभ। ठीक है, ये सिलेक्शन से तैयार हैं। हाइब्रिड किस्में हैं इसकी जिनको क्रॉस करके तैयार किया गया, पुसा अर्ली ड्वार्फ, इम्प्रूव्ड मैरुति और रेड क्लाउड का ये क्रॉस है, ये इसके पेरेंट हैं। पूसा रूबी, सियोक्स इंटू इम्प्रूव्ड मेरुथी, ये दोनों पेरेंट हैं इसके। पूसा गौरव, ग्लेमर इंटू वाच, मार्गलो, मार्बल इंटू ग्लोब। और भी बहुत सी हाइब्रिड किस्में हैं इसके अंदर, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड किस्में हैं इसके अंदर, पर कुछ मेन मेन लिखी हमने। तो अदर हाइब्रिड के अंदर पूसा रेड प्लम, स्वीट 72, पूसा शीतल, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अरुण, पंजाब छुहारा, पूसा उपहार, अर्का विशाल, अर्का वर्धन, अर्का अभिजीत, राजेश्री, पूसा दिव्या। जो पूसा दिव्या है इसे मेल स्ट्राइल लाइन के थ्रू डेवलप किया गया है। ठीक है, मेल स्ट्राइल लाइन इसमें यूज़ की गई थी, तो उसके थ्रू इसको तैयार किया गया है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर आपके सारे के सारे ही पब्लिक सेक्टर के थे, या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किए हुए थे। अब दूसरे हैं जो भी प्राइवेट, जैसे कोई कंपनी है, सिजेंटा है, माइको है, ऐसी कंपनियों के द्वारा जो डेवलप है, इसमें नवीन है, अविनाश है, मीनाक्षी, मनीषा, कृष्णा, ये किस्में प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड हैं जिनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया। उसके अलावा कुछ म्यूटेंट, कह लो कि उत्परिवर्तन से तैयार किस्में, जिसमें म्यूटेशन करवाया गया और किसी किस्म में म्यूटेशन करवा के उसकी नई किस्म तैयार की गई, जैसे S12, मरुथान, PKM1, पूसा लाल मेरुति, ये चार किस्में म्यूटेंट हैं इसकी। इसके बाद अभी टर्म आई थी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ठीक है, दो टाइप की किस्में होती हैं, कुछ किस्में इसकी डिटर्मिनेट भी हैं और कुछ है इनडिटर्मिनेट। ये तो अपने आगे डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट टाइप की जो होती हैं, जो सीधी बढ़ने वाली किस्में हैं, वो है पूसा रूबी, अर्का सौरव, अर्का विकास, पंत बहार, बेस्ट ऑफ ऑल, सियोक्स, पूसा दिव्या, पूसा उपहार, नरेंद्र टोमेटो, ये किस्में इनडिटर्मिनेट टाइप हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट किस्में भी हैं, जैसे पूसा शीतल है, ये लो टेम्परेचर, जहाँ पे कम रहता है टेम्परेचर, उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है, उपयुक्त किस्म है। पूसा शीतल, शीतल मतलब ठंडे क्षेत्र वाली। पूसा H1, ये गर्म क्षेत्रों के लिए अच्छी है, गर्म क्षेत्रों में सुटेबल है, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है थोड़ा, यानी कि 27 डिग्री
जो इसका मेन टेम्परेचर होता है, मतलब 27 तक भी ये सहन, 30 तक भी वैसे तो सहन करती है ये टेम्परेचर, पर इसकी थोड़ी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कम टेम्परेचर पे भी और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी। उसके बाद पूसा सदाबहार है, सदाबहार मतलब हमेशा सदाबहार से याद रखना कि ये सुटेबल होती है लो और हाई दोनों टेम्परेचर के लिए ये सुटेबल है। इसके अलावा हिसार अरुण एक्सट्रीम अर्ली वैरायटी है, मतलब बहुत ही जल्दी उगाई जाने वाली किस्म है, अगेती किस्म है, बहुत ही ज़्यादा अगेती किस्म है ये। इसके अलावा है फ्लेवर सेवर, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो या बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप किस्म है। इसमें जो जीन इंजीनियरिंग कह देते हो ना कि उसके जीन को ट्रांसफ़र करके तैयार कर दिया गया, जैसे बीटी बैंगन तैयार किया था वही चीज़ है। इसमें भी उसके जो जीन है उसमें परिवर्तन किया गया, उसमें क्या था कि जो पैक्टिन को डिसॉल्व करता था या डिग्रेड करता था एक एंजाइम पॉलीग्लैक्टोनोज करके कुछ होता है, वो उस एंजाइम को ही इसने ख़त्म कर दिया, उस कंपनी ने उस एंजाइम को बनना ही बंद कर दिया, जिसके कारण ये बहुत ही लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहती थी और इसकी स्मेल भी वैसी की वैसी बनी रहती थी जैसी वो तोड़ी गई थी वैसी की वैसी सेम। इसमें ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता था, मतलब उसी जो एंजाइम थे एंजाइम था वो पॉलीग्लैक्टोनोज करके, वो एंजाइम क्या था कि जैसे ही जो सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर थोड़े टाइम बाद पड़े पड़े, उसको वो ग्लैक्टोनोज के कारण ही होते थे क्योंकि वो पैक्टिन जो फल के अंदर होता है उसको वो तोड़ देते थे, डिग्रेड कर देते थे, जिसके कारण फल सॉफ्ट हो जाते थे, तो उसको उसको ख़त्म कर दिया। तो ये 1992 के अंदर इसे कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने वैसे डेवलप किया था फ्लेवर सेवर को, और इसको लगभग 1994 के अंदर उगाने के लिए मंजूरी मिल गई थी कि भाई इसको आप उगा सकते हो। उसके अलावा है अर्का विकास, सुटेबल फॉर ड्रॉट कंडीशन, मतलब जहाँ पे सूखा रहता है, सूखी कंडीशंस रहती हैं, ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए ये अर्का विकास अच्छी है। इसके अलावा कुछ है लीफ कर्ल रेजिस्टेंट वैराइटीज़, जिनको ये जो वायरस है कम प्रभावित करता है, ऐसे नहीं होता कि प्रभावित करता ही नहीं है, हाँ कम प्रभावित करता है, इसमें कम लगता है। हिसार गौरव, हिसार अनमोल, इसके अलावा पूसा रोहिणी रिसेंटली ली न्यू वैरायटी है, याद रखना पूसा रोहिणी टमाटर की ही किस्म है। इसके अलावा सिलेक्शन 120 इस रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, वैसे तो रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटियां बहुत सी हैं, ये फर्स्ट रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। क्लाइमेट एंड सोयल, याद रखना टोमेटो वार्म सीजन की फसल है, गर्म मौसम के अंदर इसको कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। और ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये कम टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, 13 डिग्री से अगर नीचे जाता है तो प्लांट की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा भी हो जाता है 30 डिग्री से तो भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। लाइकोपिन कंटेंट इज हाइएस्ट एट 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, वाइल द प्रोडक्शन ऑफ दिस पिगमेंट ड्रॉप्स ऑफ रैपिडली अप 27 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने पहले भी ये लाइन कवर की थी, क्योंकि लाइकोपिन वाली मैंने लाइन पहले कवर इसलिए की थी, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइकोपिन कंटेंट के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना है और जहाँ कितने डिग्री सेल्सियस पे ये डिग्रेड होने लग जाता है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कम होना स्टार्ट हो जाता है और ये 21 से 24 डिग्री इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा होगा। टोमेटो के लिए जो सोयल है अच्छी यील्ड के लिए, वैसे तो इसको हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन सैंडी से लेके हैवी सोयल तक, ठीक है, पर इसकी जो अच्छी ग्रोथ होती है वो अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, वेल ड्रेन सोयल, अच्छी फर्टाइल होनी चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, अच्छे कार्बनिक पदार्थ उसमें अच्छे कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी, जन धारण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर हायर यील्ड हैवी सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेफर्ड, मतलब अगर अपने को ज़्यादा उपज लेनी है तो थोड़ी भारी मिट्टी होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो तो इसकी अच्छी कल्टिवेशन की जा सकती है। इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर है
6 से 7 इसके लिए बेस्ट रहता है इसका टेम्परेचर, जो सॉरी पीएच मिट्टी का। सीजन्स मतलब इसको कब कब इसको उगाया जाता है, किस सीजन में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जो इसके बीज होते हैं इसको साल में 3 बार उगाया जा सकता है, 3 फसलें ली जा सकती हैं वैसे तो ये भी कह सकते हो, पर उस क्षेत्र के लिए क्वालिटी वाइज कौन सी अच्छी है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। वैसे तो पहली जो फसल ली जाती है वो रेनी ऑटम क्रॉप, ठीक है, रेनी बरसात वाला सीजन, ऑटम उसके बाद पतझड़ वाला मौसम। द सीड्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, इसके लिए जो बीज की बुआई की जाती है जून से जुलाई के अंदर की जाती है, ठीक है। फॉर ऑटमन विंटर क्रॉप मतलब सर्दी वाला मौसम, और उसके बाद सॉरी पतझड़ वाले के बाद सर्दी वाला मौसम, इसके लिए जो सोइंग की जाती है सितंबर से अक्टूबर में बीज की बुआई की जाती है। फॉर स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए, इनके लिए जनवरी से फरवरी, स्प्रिंग होता है बसंत और उसके बाद जो गर्मी आती है उसके लिए जो फसल होगी जनवरी से फरवरी। ऑन लोअर हिल्स नीचे वाले जो पहाड़ी क्षेत्र या फुट हिल्स होते हैं सीड्स आर सोन इन फरवरी मार्च के अंदर, वाइल ऑन हायर हिल्स मंथ ऑफ मार्च से अप्रैल, मतलब जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें फरवरी मार्च, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे मौसम ठीक होता है, उगाई जा सकती है। और जब हायर हिल्स की बात करें तो वहाँ पे मौसम ठंडा होता है पहले, तो मार्च अप्रैल में जाके जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, बसंत ऋतु होती है, तो उसमें जाके सीड सोन किया जाता है, बुआई की जाती है। नॉर्मली जो इसकी सीड रेट है, बीज दर 300 से 400 ग्राम काफ़ी रहती है एक हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए, परंतु 100 से 150 ग्राम ये कह लो कि हाइब्रिड किस्में हैं तो 100 से 150 ग्राम ही काफ़ी है। नॉर्मल जो किस्में होती हैं ओपल पोलिनेटेड होती हैं यानी कि सिंपल किस्में, उनके लिए 300 से 400 ग्राम बीज, और अगर हाइब्रिड किस्म है उसके लिए 100 से 150 ग्राम बीज एक हेक्टर के लिए काफ़ी रहता है। उसके बाद नर्सरी, अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी सफिशियंट फॉर राइजिंग द सीडलिंग टू प्लांट 1 हेक्टर, एक हेक्टर क्षेत्र के लिए 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र काफ़ी रहता है अगर अपने को सीडलिंग तैयार करनी है, नर्सरी तैयार करनी है। जनरली नर्सरी बेड्स आर प्रिपेयर्ड इन द साइज ऑफ 7.5 मीटर लॉन्ग, 1 से 1.2 मीटर विड्थ एंड 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट। जो नर्सरी बेड बनाई जाती है, क्यारी बनाई जाती है, ठीक है, वो जनरली 7.5 मीटर लंबी, ठीक है, लंबाई उसकी इतनी होनी चाहिए और चौड़ाई उसकी 1 से 1.5 मीटर कह लो, 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर ये है कि आप उसमें आसानी से उस क्यारी के अंदर एक कॉर्नर पे खड़े होके वीडिंग कर सको, सीड की बुआई कर सको, पानी दे सको, सारे कल्चरल ऑपरेशन कर सको, इसलिए उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रखी जाती है क्यारी की। और इसमें ये याद रखना कि इसमें थोड़ा अगर अपने रेनी सीजन के अंदर इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज़ है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा वो उस टाइम होती है। इसलिए 2-3 चीज़ें करनी चाहिए, एक तो उस टाइम जो अगर रेनी सीजन में नर्सरी बना रहे हो तो थोड़ी उठी हुई क्यारी बनाओ, दूसरा बीजों की बुआई करने से पूर्व उनका बीजोपचार करो, सीड ट्रीटेड करो विथ या तो थायरम से कर दो, सैरेसन से कर दो, एग्रोसन से कर दो, 2 ग्राम पर kg बीज के हिसाब से बीज को ट्रीट करके बो, ठीक है। उसके बाद जो नर्सरी बेड तैयार करते हैं, वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर इज प्रॉपरली मिक्स टू द टॉप सॉइल ऑफ द बेड एट द रेट ऑफ 3 kg per meter square, 3 kg per meter square के हिसाब से जो नर्सरी बेड की राइज बेड बनाई है उसके ऊपर कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को मिक्स करो ऊपर, उसके बाद कुछ फर्टिलाइजर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका मिक्सचर का, यानी कि जो मैंने लिखा है 15-15-15 NPK, 15 ये मान लो कि 15 भाग उसमें नाइट्रोजन डालो, 15 भाग उसमें फास्फोरस और 15 भाग ही उसमें पोटाश डालो, और इनका 0.5 मतलब आधा किलो
फर्टिलाइज़र को पूरी जो मिट्टी आपकी सोयल पूरी क्यारी है लंबाई, उस क्यारी के ऊपर इसको इतनी चीज़ को डाल दो, इतने फर्टिलाइज़र को, आधे किले फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दो 10 दिन पहले बिफोर सोविंग द सीड्स, 10 दिन पहले। फॉर राइजिंग हेल्दी सीडलिंग्स, सीड्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर सोविंग द कैप्टॉन और थायरम, 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड इज एसेंशियल। द सीड्स आर सोवन इन द बेड आइदर ब्रॉडकास्ट और इन रो एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर बिटवीन द रोज। वैसे याद रखना, ज़्यादातर रोज के अंदर सीड की सोइंग नहीं की जाती, क्योंकि इसमें भी डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज़ है उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादातर की जाती है। बीजों को बुरका जाता है ऊपर, फिर उसके बाद मिट्टी से, हल्की मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, जब FYM कंपोस्ट से इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। और अगर अपने रो में कर रहे हैं तो लगभग 7.5 सेंटीमीटर के गैप रखा जाता है, मतलब एक रो से दूसरी रो का जनरली प्रेफर नहीं की जाती, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंसिडेंस रहता है अगर रो के अंदर रो के अंदर उसकी नर्सरी को उगाया जाता है तो। आफ्टर सोविंग द बेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ड्राई ग्रास और कंपोस्ट, देयर आफ्टर द बेड आर इरीगेटेड विथ रोज कैन, मतलब उसके बाद उसको झारे से पानी दे देते हैं और ऊपर से उसको घास से जहाँ जो कंपोस्ट होती है उससे कवर कर दिया जाता है कि नमी बनी रहे, सेव रहे, ठीक है। द सीडलिंग्स विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग आफ्टर 4 to 6 weeks ऑफ सीड सोविंग, लगभग 4 से 6 वीक के अंदर, लगभग ये मान लो कि 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपकी जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाएगी मेन फील्ड में बुआई करने के लिए, ठीक है। सीडलिंग को वैसे याद रखना कि सीडलिंग को अगर मेन फील्ड में बोना है उससे पहले उसकी हार्डनिंग की जाती है, उनको हार्ड किया जाता है, लगभग 3-4 दिन पानी को उसको होल्ड किया जाता है, पानी रोक दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता नर्सरी में, जिससे कि जो सारा का सारा उसके अंदर का और ये कह लो कि स्टोर्ड मटेरियल होता है वो सारा का सारा पौधे के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। जैसे ही मैं उसको लगाऊं, पानी दूं, तो वो आराम से अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। वैसे कई केमिकल भी आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ही आपको ट्रांसप्लांट करनी है उससे पहले थोड़ा टाइम पहले उसका छिड़काव कर दो, वो वैसा ही काम करेगा जैसे कि एक पानी की कमी के कारण पौधा करता है, वैसा ही रिएक्ट होगा उसके साथ। तो एक और भी है इसका याद रखना कि नर्सरी जैसे तैयार करते हैं, आजकल नई टेक्निक के अंदर प्रो ट्रेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। प्रो ट्रेज मैंने वैसे 2-3 पिक्चर भी नीचे डाले हैं, छोटे छोटे उसमें कप से बने रहते हैं और एक के अंदर लगभग 50 से लेकर 100 तक होती हैं, छोटे छोटे कप बने हुए रहते हैं, उनके अंदर सोयल का और कंपोस्ट और कोकोपिट मिक्स करके उनके अंदर भर दिया जाता है और उसके अंदर एक एक दो दो बीज लगा दिए जाते हैं, हर उस कप के अंदर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, क्या कि एक तो आपकी जो नर्सरी की ट्रे होती है उसको ये मान लो कि उसमें जो ग्रोथ होगी वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, मतलब एक जैसी ग्रोथ होगी सारी की सारी के अंदर, क्योंकि आप उसके अंदर वो डिवाइडेड होता है ना वो अलग अलग, तो उसमें से ऐसा नहीं कि आपका फर्टिलाइज़र या कोई चीज़ आपने जो डाली है वो उसी पौधे को मिलेगी जिसके अंदर आपने डाली है, ऐसे नहीं कि किसी और के अंदर बह के चली जाएगी, तो भी कुछ फर्क पड़ता है। तो इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, विग्रस भी होती है कुछ, क्योंकि अपने को सारों को पौधों को मिल रहा है, एक स्पेसिंग भी मेंटेन हो रही है उसमें, तो अपने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो कुछ पौधे हो सकता है साथ साथ अटैच हो गए हों, ठीक है। इसमें तो ब्रॉडकास्ट वाला काम ही नहीं है, इसमें तो खुले खुले पौधे लगाए हैं आपने, बहुत ही जगह छोड़ छोड़ के गैप दे दे के, क्योंकि अपने आप ही गैप होता ही है उसमें, ठीक है। इससे कुछ हेल्दी प्लांट भी तैयार होते हैं, हेल्दी भी रहते हैं प्लांट और उपज भी, अगर हेल्दी है तो उपज भी अच्छी देंगे बाद में। इसमें जो सीड रेट होती है वो भी कम लगती है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर ये 100 पौधे हैं, 100 पौधे तैयार हो जाएंगे तो मैं गिन के एक एक बीज ही डाल रहा हूँ तो 100 बीज ही लगे, और मैं अगर ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो पता नहीं मुझे, मैंने तो बस हाथ में लिए बीज और ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मुझे ग्राम में इतने बीज चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक भी होती है, इससे फेवरेबल ग्रोविंग कंडीशंस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू कॉन्वीनियंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब इसमें फेवरेबल ग्रोविंग कंडीशंस मिलती हैं,
जैसे कि मैंने बता रहा था फ्यूजेरियम है और ये ऐसी कई बीमारियां लग जाती हैं, पर इसमें वो दिक्कत कम आती है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ मेन फील्ड, मतलब जैसे मुझे पहले तो मुझे क्यारी तैयार करनी पड़ेगी, लगभग 7.5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी, 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी तैयार करूँगा। जब इतना टाइम खराब करूँगा, उससे अच्छा है कि मैं प्रो ट्रे लूँगा, उसमें मिक्सचर बनाया और भरा, उसमें बीज लगा दिए, तो मेरा टाइम बचेगा उस क्यारी को बनाने में जो लगने वाला था। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे और खेत की तैयारी कैसे करेंगे। पहले सबसे जो आपका मेन फील्ड है, जिसमें अपने को नर्सरी वहाँ से उठा के जब वो 4 से 6 वीक की हो जाएगी तो ट्रांसप्लांट करनी है, तो उससे पहले जो फील्ड है, जिस फील्ड मेन फील्ड को तैयार करना, उसको 4 से 5 टाइम हैरो जहाँ आपका प्लो रहता है कंट्री प्लो, उससे 4 से 5 बार जुताई करेंगे, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लेंगे। उसके बाद लेबलिंग कर लेंगे, बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, जिससे कि ड्रेनेज की जो सुविधा है या फैसिलिटी है वो प्रॉपर ड्रेनेज हो सके, पानी आराम से निकासी हो सके। ठीक है, सीडलिंग शुड बी हार्डेंड बिफोर ट्रांसप्लांटिंग बाय विद होल्डिंग वाटरिंग फॉर 4 to 5 डेज सो एज टू रिड्यूस द अवेलेबल मॉइस्चर टू 20%, मतलब उसका जो मॉइस्चर है 20% तक ही रह जाए पौधे के अंदर, उसको 4 से 5 दिन तक पानी को रोक दिया जाता है नर्सरी के अंदर। उसके बाद आता है टोमेटो सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड ऑन फ्लैट बेड्स और ऑन साइड ऑफ फ्रिजेस, मतलब एक तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक तो प्लेन क्यारी बना ली जाती है, उसमें रो के हिसाब से पौधे लगा दिए जाते हैं, एक तो इसकी बुआई का ये तरीका है। दूसरा होता है कि मेड़ बना लिए जाते हैं, रिज बना लिए जाते हैं, उनके जो साइड होती है उसके ऊपर पौधे लगाए जाते हैं। रिज के अंदर थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है, पानी कम लगता है, भीड़ भी कम होते हैं, जबकि जो मेन प्लेन क्यारी होती है, फ्लैट होती है, उसमें थोड़ा भीड़ की प्रॉब्लम और सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी ज़्यादा सिंचाई की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोनों ही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्पेसिंग आर फॉलोड सच एज 60 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और रो टू दूरी। उसके बाद है इसमें याद रखना कि जो ज़्यादा है वो रो टू रो है और जो कम है वो प्लांट टू प्लांट है, जैसे 60 × 45, मतलब 60 उसमें लाइन से लाइन की दूरी, एक लाइन से दूसरी लाइन की, और 45 उसमें पौधे से पौधे की दूरी, दूसरे वाले में 75 × 60। ठीक है, 75 × 75 भी रखे, मतलब कुछ किस्में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं उनके लिए ज़्यादा दूरी रखी जाती है, कुछ हाइब्रिड हैं उनके लिए ज़्यादा दूरी रखी जाती है, कुछ जो लोकल ओपन पोलिनेटेड किस्में हैं उनके लिए कम दूरी रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद इन सम एरियाज 100 × 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग इज आल्सो फॉलोड, मतलब कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है पौधे की और अच्छी किस्म हाइब्रिड पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे ये स्पेसिंग रखी जाती है। द प्लांट पॉपुलेशन लगभग 35,000 पर हेक्टर प्लांट लग जाते हैं, लगभग 35,000 पौधे, अगर ये 100 × 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी है तो लगभग 35,000 पौधे एक हेक्टर के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशन, मतलब उसमें फर्टिलाइजर खाद कितनी देनी है, वो वेल रोटेन 38 टन्स ऑफ FYM एंड 250 kg ऑफ ईच NPK पर हेक्टर इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ फॉर हाइब्रिड्स, मतलब अगर हाइब्रिड ग्रो कर रहे हैं तो उनके लिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसमें 38 टन गोबर की खाद और 250 किलो नाइट्रोजन, 250 किलो फास्फोरस, 250 किलो पोटाश रिकमेंडेड है, ये डालनी चाहिए अगर अपने हाइब्रिड कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ डोज वैसे ये भी है कि अगर नॉर्मली डालनी है तो वैसे तो ये बढ़ती रहती है, नाइट्रोजन तो आप डाल सकते हो, कुछ किताबों में ये आपको मिल जाएगी कि 90 से 100 किलो पर हेक्टर आपको नाइट्रोजन डालना है और 60 से 70 किलो
आपको फास्फोरस डालना है। अगर उसके अंदर पोटाश की कमी है तो 60 किलो पर हेक्टर उसमें पोटाश डालना है, ठीक है। तो इसमें जो अभी मैंने 250 किलो फर्टिलाइजर ईच का है कि ये डालते हैं, तो इसमें हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फुल डोज फास्फोरस और पोटाश की अप्लाइड एट वेस एज ए वेसल। हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन में भी अप्लाइड टॉप ड्रेसिंग आफ्टर 25 to 30 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। मतलब ये मान लो, मैं तुम्हें वैसे ही समझा देता हूँ कि जो हाफ डोज होती है नाइट्रोजन को दो भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, आधी नाइट्रोजन और जो पूरा का पूरा फास्फोरस, पूरा का पूरा पोटाश, सारा का सारा जैसे ही फील्ड प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले, फील्ड में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग नाइट्रोजन बचती है, आधी मात्रा नाइट्रोजन की बच जाती है, उसको बाद में टॉप ड्रेसिंग के ऊपर, टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाला जाता है 25 से 30 दिन बाद, मतलब छिड़काव कर दिया जाता है पूरे फील्ड के अंदर, ठीक है। और कई कई किताबों में ये आपको मिल जाएगा कि ये चीज़ इसको तीन डोज के अंदर दिया जाता है। दूसरी डोज जो एक तो आधी तीन भाग डिवाइड किए, पहला भाग तो उसी टाइम फील्ड प्रिपरेशन के टाइम, दूसरा नाइट्रोजन का 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग, फिर 45 से 50 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं जिनकी भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, डालने चाहिए अगर ज़मीन में कमी है तो, जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, इससे उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है फ्रूट की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई जो हल्की मिट्टी हैं, जहाँ लाइट सोयल्स है, वहाँ फ्रूट क्रैकिंग की समस्या रहती है, तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप 20 से 30 किलो बोरेक्स ज़मीन में डालो, जिससे कि आपकी जो समस्या है फ्रूट क्रैकिंग वाली, फल फटने स्टार्ट हो जाते हैं टमाटर के, वो कम हो जाएंगे और आपको अच्छी उपज मिलेगी, ठीक है। कुछ क्षेत्रों के लिए स्पेशल रिकमेंडेड डोज भी है कि भाई इतनी ही डालनी है, जैसे न्यू दिल्ली में है नाइट्रोजन 60 केजी पर हेक्टर डालो, फास्फोरस भी 60, पोटाश की ज़रूरत नहीं है, FYM 25 टन पर हेक्टर डालो, कोयम्बटूर में 100, 80, 50 और 25, बेंगलोर के अंदर 115, 104, 64 और 25। उसके बाद है सिंचाई इरीगेशन। फर्स्ट इरीगेशन रिक्वायर्ड सून आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब पहली जो सिंचाई है जैसे ही अपने पौधों को शिफ्ट किया मेन फील्ड में, उसके बाद तुरंत कर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी उसके बाद है टू मच ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड बिफोर फ्रूट सेट हैव बीन फाउंड डिटर्मिनल काजिंग ब्लॉसम ऑफ। एक तो होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दे, जैसे जैसे ही मैंने प्लांटिंग की उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने सिंचाई कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लगा दिया, भर दिए क्यारी को फुल, तो या फिर जब फ्रूट सेट हो रहे होते हैं उस टाइम, तो इससे क्या होगा कि ब्लॉसम जो फूल लगे हुए होंगे ना, वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा सिंचाई, बहुत ही हैवी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लाइट सिंचाई करनी चाहिए। इरीगेट द क्रॉप एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 4 डे ड्यूरिंग समर, 3 से 4 दिन समर के अंदर, गर्मियों के अंदर, और 10 से 15 दिनों के अंतराल पर विंटर के अंदर सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। मतलब वैसे तो कहने का मतलब ये कि उसमें थोड़ा मॉइस्चर तो मिट्टी में रहना ही चाहिए, पर ये मौसम ऐसा है कि सर्दियों में नमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है और गर्मियों में जल्दी पानी सूख जाता है, तो मॉइस्चर की कमी आ जाती है, तो फल फटने भी स्टार्ट हो सकते हैं और भी कई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए नमी बनी रहनी चाहिए और टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है इंटरवल। ड्यूरिंग विंटर द प्लांट आर नॉट इरीगेटेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट पक रहे होते हैं उस टाइम सिंचाई नहीं करनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, ठीक है, सर्दियों के अंदर, स्पेशली सर्दियों के अंदर। ए लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाय सडन हैवी इरीगेशन में कॉज क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, वही चीज़ कि बहुत टाइम तक आपने सिंचाई नहीं की, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं थी और एकदम से उसके ऊपर ये कह लो कि सिंचाई कर दी जाए। या कभी कभी क्या होता है कि किसानों के फ्रूट के ऊपर बरसात हो जाती है उस टाइम, पहले तो गर्मी पड़ रही है खूब, उसके बाद बरसात हो जाती है, तो सारे के सारे फल फटने स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो जलवायु कंडीशन अपनी ऐसी है
कि अपने फल फट जाते हैं, तो इसके अपने ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि उसको सिंचाई करते रहो कि उसमें पानी की पहले कमी ना हो, ड्रॉट वाली कंडीशन ही ना रहे, तो फल फटेंगे नहीं। इसके अलावा फ्रो इरीगेशन इज मोस्ट वाइडली यूज टू इरीगेट टोमेटो क्रॉप इन इंडिया। फ्रो मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मतलब जो मेड़ बनाते हो रिज के अंदर सिंचाई की जाती है। इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन ऑफ टोमेटो कैन इंक्रीज द यील्ड बाय 50% एंड सेव वाटर बाय 30% एज कम्पेयर टू फ्रो मेथड। मतलब फ्रो मेथड की भी तुलना में भी अगर आप ड्रिप इरीगेशन सिंचाई करते हो, ड्रिप मेथड से यूज़ करते हो, तो आपको एक तो 50% तक उपज ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप पानी भी सेव कर रहे हो, ऊपर से आप उपज भी ज़्यादा प्राप्त कर रहे हो। आपके वीड की प्रॉब्लम भी कम रहेगी कि उतनी ही जगह पे वो सिंचाई कर रहा है, खाली जगह में दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 30% तक आपका पानी की बचत हो रही है इससे फ्रो मेथड की तुलना में। वैसे आजकल तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज करते हैं लोग सिंचाई के लिए, ठीक है। वैसे ड्रिप इरीगेशन बेस्ट है। वीड कंट्रोल टू हैंड होइंग फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थनाइट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड अर्थिंग अप ऑपरेशन ड्यूरिंग द सीजनल फोर्थनाइट। मतलब ये है कि दो से लगभग दो बार हाथ से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। एक तो फर्स्ट 15वें दिन, मतलब ये कह लो कि पहले 15वें दिन, फिर दूसरी लगभग 45 दिन बाद, ठीक है, 45 दिन बाद उसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए हाथ से। उसके बाद है द एप्लीकेशन ऑफ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। इसके अलावा आप जैसे मतलब हाथ से तो निराई गुड़ाई कर ही रहे हो, अगर ये नहीं करना चाहते तो आप प्री इमर्जेंस मतलब बुआई से पहले जो डाले जाते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स लाइक मेट्रीबुजीन, इसको आप 0.35 kg पर हेक्टर डाल सकते हो, जहाँ फ्लो क्लोरालीन 1.25 kg पर हेक्टर डाल सकते हो। मतलब पहले ही ज़मीन के अंदर डालो, उसके बाद फसल की बुआई करो, ठीक है, तो आपकी जो उपज भी इंक्रीज होगी। और अभी जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पेंडामेथिलीन यूज़ किया जाता है, जो कि 1.0 kg पर हेक्टर डाला जाता है प्री इमर्जेंस के रूप में, मतलब पहले ही डाला जाता है। 3 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग वॉज फाउंड वेरी इफेक्टिव इन सप्रेसिंग द वीड्स। इसके अलावा इसको प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन की जाती है जैसे ट्रांसप्लांटिंग से 3 दिन बाद किया जाता है, मतलब जो वीड उग रहे हैं उनके ट्रांसप्लांटिंग कर दी उसके 3 दिन बाद ही कर दिया जाता है इसको, मतलब छिड़काव किया जाता है इसका। उसके बाद स्टेकिंग सहारा देना। इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेट वराइटीज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज इम्प्रूव्ड बाय स्टेकिंग द प्लांट विद वुडन स्टिक और पॉलीथिन थ्रेड्स। इनडिटर्मिनेट जो किस्में होती हैं, चलो मैं शायद मैं मुझे लग रहा है मैंने इसको ऐड करना भूल गया था, मैं तुम्हें बता देता हूँ इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट क्या होती हैं। जो टमाटर की किस्में होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक तो डिटर्मिनेट और दूसरी इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट होती हैं जो किस्में कम बढ़ती है, मतलब सीधी बढ़ती नहीं है, बेल की तरह नहीं बनती, वो एक बुश की तरह छोटा सी झाड़ी की तरह रह जाती है, छोटी सी शर्ब की तरह, सॉरी छोटी सी हर्ब की तरह। तो इसमें जो फूल होता है वो जो ऊपर वाला बिल्कुल ये कह लो टिप होती है वहाँ से वहाँ पे फूल आ जाते हैं, ठीक है, और लगभग हर जो नोड होती है और पत्ते वा जो पत्ते और नोड जहाँ पे पत्ता निकलता है वहाँ से एक फ्लोवर निकलता है, ठीक है। जबकि जो दूसरी होती हैं इनडिटर्मिनेट टाइप, उनमें क्या होता है कि वो सीधी ग्रोथ करती रहती हैं जब तक कि उसको स्टॉप ना किया जाए, उसको तोड़ा ना जाए, और उसमें फ्लोवरिंग हमेशा पत्ती के जो और तने के बीच की जगह रहती है, यानी कि इंटरनोड रहती है वहाँ पर इसमें फ्लोवरिंग होती है, ठीक है, और पौधा ज़्यादातर ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर उसके फ्लोवरिंग होके स्टॉप नहीं हो रहा, वो ग्रोथ उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और वो एक बेल की तरह बढ़ता है लंबा, ठीक है। वो इनडिटर्मिनेट टाइप होती हैं ज़्यादातर, जो हाइब्रिड किस्में हैं जो ज़्यादा उपज देने वाली हैं वो इनडिटर्मिनेट टाइप होती हैं, और डिटर्मिनेट होती हैं वो छोटी सी एक झाड़ी सी बन के रह जाती है, उनकी उपज भी थोड़ी कम होती है, ठीक है। स्टेकिंग जो लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं इनडिटर्मिनेट टाइप हैं उनके अंदर
बहुत जरूरी होती है उनकी उपज को बढ़ाने के लिए। अगर वो पौधा नीचे ज़मीन पे पड़ा रहेगा तो वो टूट जाएगा, जहाँ उसके ऊपर उनको प्रॉपर फल को लाइट नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, जिसके कारण फल कम लगेंगे उस पर। तो इसको स्टेकिंग की जाती है, या तो उसको बांस की खपच्ची लगा दी जाती है, साथ में बांध दिया जाता है उसके साथ, या फिर उसको ऊपर तारों से बांध दिया जाता है, एक पॉलीथीन की थ्रेड से, धागे से, ठीक। या फिर ये स्टेकिंग और भी कई कारणों से जरूरी होती है। स्टेकिंग नॉट ओनली इंक्रीज द यील्ड एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, बट आल्सो रिड्यूस द इन्फेक्शन बाय फंगल डिजीज। जो फंगल डिजीज होती हैं उनके इन्फेक्शन को भी ये कम करती है।